सरगम रे। मिसरे में देखिए दो लफ्ज़ हैं हुजूर और जनाब, दोनों के तेवर अलग है, मतलब एक ही है। हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता। बात करता तो गाने से अच्छी लगती, गाना शुरू करता तो बातें भूल जाती। वाद फनकार था। There won't be a voice like this in, you know, 100 years. You won't hear it. जो भी ऑडियंस में बैठता था आपको लगता था कि ये मेरे लिए गा रहे हैं। It's a turning point in the entire history of ghazal singing. कि गजल ऐसे भी गाई जाती है। जगजीत जी को ये क्रेडिट जाती है कि उन्होंने 10,000, 20,000 और 50,000 तक की ऑडियंस को अकेले मंच पे रह करके एंटरटेन किया। ये म्यूजिक था तो सिर्फ यही नहीं है, पर जीता था वो आदमी। मुझे याद है 1965 में मैं बॉम्बे आया। मैंने कहा क्या करने का था, लक ट्राई करने फिल्मों में। जो भी फिल्म की पार्टी हो रही थी, जगजीत सिंह यूज्ड टू गो देयर। आई वाज द हिट फिल्म पार्टी सिंगर। यू नो ही यूज्ड टू टॉक मी इन पंजाबी। ओ पहले ठीक है, खाना पीना फ्री मिलेगा तुम्हें, ऐश करी ओए। ओ सारे पिंड च पुआड़े पाए, आए नी तेरे गोरे रंग ने बिल्लो। फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया, जिंगल शुरू हो गए, हाँ जी कुछ प्रोग्राम शुरू हो गए। और इस पर सितम ये अदाएं तेरी, दिल है आखिर कहां तक संभलता रहे। I realized कि 24-25 साल उम्र तो अभी है, and he must have composed this 2-3 years earlier. कैसे? It was like a completely new world opened up. You know कि गाना ऐसा भी होता है। He was deeply spiritual, and that is the reason why he could connect to everybody of any faith. He said, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो उसको देने में क्या हर्ज है? Nothing is mine. देने में क्या हर्ज है? I would say a man totally at peace with where he is. आप ऐसे जो भी आपको बुलाता है उठ के चल देते हो, कभी आपने रियलाइज करा आप कितने बड़े आदमी? मैं कितने बड़े हूँ? 5'7". If he has earned anything, he has earned this millions, millions, crores of people's love. बहुत दिनों की बात है, फिजा को याद भी नहीं, ये बात आज की नहीं।